स्वास्थ्य विभाग को मिला नया शव वाहन, जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस की तरह कार्य करेगा शव वाहन। एम्बुलेंस की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया गया है शव वाहन। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने विधायक नीति से स्वास्थ्य विभाग को सौंपी एम्बुलेंस। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रिपोर्टर राहुल कुमार गुप्ता। एक शव वाहन जो है वो जिला अस्पताल के लिया है। कोविड के समय में शव वाहन की कमी जिला प्रशासन के सामने आई थी, उसी को देखते हुए माननीय सदर विधायक महोदय द्वारा एक वैन जो है वो शव वाहन दिया गया है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। जिला प्रशासन को तो किस उद्देश्य दी है और क्या सुविधाएँ लोगों को इससे मिलेंगी? ये जब कोरोना महामारी बीमारी दूसरा फेज जब आया, तो उस समय इस बीमारी कारण कई लोग की जान गई है। उस समय सब वाहन की बड़ी समस्या थी, तो मेडिकल कॉलेज गए तो वहाँ जनता बहुत परेशान थी कि दो ही वाहन थे, एक आता था एक जाता था। इसलिए उसको देखकर मैंने उसी समय ये संकल्प लिया था कि एक उरई के लिए एक सब वाहन एम्बुलेंस देंगे। वो तो अपनी विधायक निधि से, क्योंकि और कई जगह ऐसे काम दिए हैं जैसे जनरेटर दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, उसी में ये सब वाहन एम्बुलेंस है। और निश्चित रूप से जब कोई बेसहारा या कोई दूर का आदमी अस्पताल में दम तोड़ देता है, तो उसको घर तक भेजने के लिए ये सब वाहन ज़िले में उपलब्ध रहेगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने तुरंत, मैंने अपनी विधायक निधि से दी, उन्होंने तुरंत स्वीकार करके और जिले के सीएमओ महोदय को डीएम साहब के माध्यम से समर्पित कर दिया।